हेलो दोस्तों, ये मैच है ग्रुप वन का, 20वां मैच है। और जैसा कि देख सकते हो, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच है। और ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे आयरलैंड जो कि मैच वेस्टइंडीज को हरा के आ रही है, ग्रुप ए में ज्वाइन कर रही है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस इनका हाई है। बाकी इंग्लैंड भी लास्ट मैच अपना जीत के आ रही है, जो कि अफगानिस्तान से हुआ था। तो मैच तो उतना इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है, इंग्लैंड यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नज़र आएगी। आयरलैंड वहाँ पे पहली बार, जबकि इन दोनों का पहली बार T20 मैच खेलने वाली है, फिर भी ये बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जो कि लिंक कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको जो कि मैच और सेशन चाहिए आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। 26 अक्टूबर वेडनेसडे को मैच खेला जाएगा, 9:30 PM स्टैंडर्ड टाइम। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, फाइनल मैच यहीं पे खेला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्ट यहाँ पे है थोड़ा, दो मैच खेले जाने वाले हैं, दोनों मैच एक ही दिन इसी पिच पे खेले जाएंगे। बारिश यहाँ पे धो सकती है मैच, जैसा कि साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे का मैच देखा गया, वहाँ पे भी बारिश ने परेशान किया। पिच एनालिसिस देख सकते हो, लेकिन पिच की बात करें, 15 में से 10 मैच सेकेंड बैट जीती है, 60 में से 32 जो कि BBL का रिकॉर्ड है, यहाँ पे जीती है। यहाँ पे रिसेंट मैच मेलबोर्न इंडिया पाकिस्तान का खेला गया था, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी शानदार मैच देखने को मिला था। और ये आपको ओपन कराया गया था काफ़ी शानदार एंट्री के साथ, एक बार काम चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके। पिच 150-170 वाला पिच है, और यहाँ पे देख सकते हो एक साइड शॉर्ट बाउंड्री है, तो टारगेट करके यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट बाउंड्री की तरह बैट्समैन। लेकिन पिच धीरे धीरे स्लो होते जाता है जैसे ही मैच आगे बढ़ता जाता है, ऐसा पिच है ये। मैच डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे आयरलैंड का चेसिंग स्ट्रेंथ उतना तो अच्छा नहीं है, बैटिंग इंग्लैंड के सामने अच्छी नहीं है, बॉलिंग भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड के सामने, तो यहाँ पे स्विंग बॉलर ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगा। थोड़ा रेनी कंडीशन है, मैच के पहले बारिश भी होगी, मैच में भी बारिश देखने को मिल सकता है, ओवर रिड्यूस होते हुए भी दिख सकता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो टीम न्यूज, यहाँ पे पिच पे पहले बात कर, पिच यहाँ पे थोड़ा बाउंस है, बाउंस ऑफर करता है पिच, तो यहाँ पे पेसर को मदद मिलेगा। इंग्लैंड की बात करें, जस बटलर स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। इंग्लैंड रिसेंट फॉर्म में अगर देखोगे, ऑस्ट्रेलिया को रिसेंट सीरीज हरा के आ रही है, नो इंजरी है इनके तरफ से, तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई है ऑस्ट्रेलिया को, टीम को हरा के आ रही है। और इंग्लैंड, आयरलैंड बात करें, इनका भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वेस्टइंडीज को हरा के आ रहे, 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन को। प्लेइंग इलेवन आप देख सकते हो, प्लेइंग इलेवन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे प्लेइंग इलेवन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो प्लेइंग इलेवन आप देख सकते हो। रिकॉर्ड्स कोई मैच नहीं हुआ, एक मैच बहुत पहले हुआ था 2009 या 2010 में, वो भी नो रिजल्ट हुआ था, बारिश ने धो दिया था, वर्ल्ड कप का ही मैच था। इस वेन्यू पे पहली बार मैच खेलने वाली है दोनों टीम। रिसेंट फॉर्म की बात करें, इंग्लैंड, इंग्लैंड यहाँ पे लास्ट मैच जीत के आ रही है, सीरीज जीत के आ रही है। और आयरलैंड, आयरलैंड यहाँ पे जो कि देख सकते हो, 2 मैच, एक तो वेस्टइंडीज से जीती थी सुपर 12 को क्वालिफाई से पहले, और क्वालिफाई की थी। की प्लेयर्स जो फैंटेसी टीम के लिए आपको लिए बेनिफिट्स होगा, अच्छे पॉइंट देंगे। बॉलिंग यहाँ पे अच्छा इंग्लैंड की तरफ से अच्छा करते हुए नजर आएगा, विकेट लेते हुए वही पॉइंट अच्छे देंगे। ज़्यादा स्कोरिंग अगर आयरलैंड आती है फर्स्ट बैट पे, तो स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला। जस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, सैम करम, मोइन अली, मार्क वुड, आयरलैंड पॉल स्टीरिंग, आनंद वेलब्रो, जो वॉलर, क्यूर्टिस कैंपस और मैकराटी अपने टीम में पिक कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, सेशन चाहिए फिर से बोलूंगा। टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करना, कमेंट में आपको लिंक दे दिया हूँ, क्लिक करके ज्वाइन हो, ये काम चेक कर लीजिए, शानदार काम मिलेगा आपको। टीम बनाते समय ध्यान में रखना कि आप इंग्लैंड के ही फेवर में बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, इंग्लैंड के प्लेयर ही अच्छे पॉइंट देते हुए नजर आएंगे। आप आयरलैंड के जो कि बैट्समैन हैं, कम ही लेना, ज़्यादा बॉलर ले सकते हो, बॉलर 1-2 विकेट ले सकते हैं, जो कि बॉलर में यहाँ पे कुर्तिस कैंपर, मार्क एडायर अच्छे बॉलर हैं और ऑलराउंडर भी हैं, तो इनको मैं पिक कर रहा हूँ। बाकी बॉलर मार्क वुड, आयरलैंड अगर फर्स्ट बैट पे आती है तो स्कोर कम हो सकता है, इंग्लैंड फर्स्ट बैट पे स्कोर ज़्यादा हो सकता है, 170-180 इजी लग सकता है। क्रिस स्टोक्स, बेन स्टोक्स, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, एलेक्स होल, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, जस बटलर, तो ये टीम मैं पिक कर रहा हूँ। बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम पर दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने जो जो मैच वीडियो अभी तक नहीं देखो, इंडिया स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो जो मैच बोला था, जैसे इंडिया पाकिस्तान का और यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, दोनों मैच जैकपॉट हुए, बाकी सारे स्टेट मैच हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखो, नेक्स्ट मैच कौन जैकपॉट है। मिलते हैं अगली वीडियो में।